जी सबा खान जी, आपकी आवाज बेहतर हो गई, अब आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज अब? जी मुझे आपकी आवाज हाँ, लेट्स कम टू द पॉइंट। आ रही है। पहले मुझे वही बात करनी है, आपने उस दिन मुझे चिकन बोला, आपने बोला चिकन हो आप, ओ, चिकन पनीर डिफेंडिंग केएफसी, आप वो हैं? टिक्का। जी आपने मुझे ओड़े ओड़े ये ओड़े ओड़े, बोला एक सेकंड एक सेकंड चिकन, एक सेकंड एक सेकंड, दीदी जी दीदी जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक मुझे सेकंड बीच एक में सेकंड। बोला, मैंने आपको पहले ओ बोल दिया सॉरी मेरे यार से दीदी, पहले गलती हो गया, बोला। गलती हो गया सबा जी, गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी। एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, एक आप सेकंड सॉरी रुके। बोलते हैं लेकिन आप सॉरी के ऊपर मतलब स्टैंड नहीं करते, अरे आप वो यार, सॉरी वो बोलते आदत हैं सी कोई इनसल्टिंग। भी है ना यार, बहन को दीदी कहना, छोड़ दें यार, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। ये जरा कंफर्म करें, आप यही वाली हैं? एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, ये आप ये वाली हैं जिनसे जी जी मैम, ये मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ, स्क्रीन पे ला रहा हूँ, स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ये वाला, दो ये वाला। औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है। जी जी हाफ ब्रेन हो गया। नहीं ना, नहीं हुआ है। सही बुखारी की हदीस है 304, मोहम्मद साहब का, ओ वुमेन, मैंने देखा था जहन्नम में मेजोरिटी जो है वो औरतों की है। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है? ओ अल्लाह मैसेंजर, ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा, तुम लोग गालियां बहुत निकालती हो और तुम लोग अपने हस्बैंडों की नाफरमान बता रहे हो। आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट एंड रिलीजन देन यू वुमेन। तो ये सिर्फ हमारा रिलीजन नहीं कह रहा है, ये हर बंदा कहता है, औरतों पे कितनी मीन ओके, होती है। तमाम पता रिलीजन जो है नहीं उल्लू के पट्टे हैं और आप भी का रिलीजन भी उल्लू का पट्टा है, राइट? नहीं हमारा रिलीजन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, औरतों का इस्लाम में रहना ऐसे ही है जैसे चिकन का केएफसी को डिफेंड करना। आप ये वाली हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, डन हो गया, डन हो गया, मुझे पता लग गया कि आप कौन सी हैं। आप मतलब सुने मेरी बात, मैंने आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात की थी, और मैं अभी भी इस सब के बावजूद मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, जबकि आप शायद वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन मैं कर रही हूँ। आपने मुझे बहुत पहली बात, मेहरबानी, आपने मुझे चिकन, जी मैंने कहा बहुत मेहरबानी आपकी। आपने मुझे चिकन बोल दिया, ठीक है। आप मुझे जैसे आपने मुझे बोला था कि सबा आप जी इसको मुझे प्रूफ करके दिखाऊं कि ऐसा है या नहीं है, अब मुझे प्रूफ करें कि मैं चिकन कहाँ से हूँ। मैंने कहा था मिसाल के तौर पे, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान के अंदर मिसाल देता है, अल्लाह कहता है मिसल, किसकी मिसल? अल्लाह कहता है ये जो काफिर लोग हैं इनकी मिसल एक कुत्ते की तरह की है कि जब वो उसके ऊपर बोझ डालो तो भी वो हांपता है और बोझ निकाल दो तो भी वो हांपता है। अगर आपने देखा हो कि मैंने इस वीडियो में कहा है कि औरतों का इस्लाम को डिफेंड करना ऐसे ही है जैसे एक चिकन का केएफसी को डिफेंड करना। दिस इज कॉल्ड एन एग्जांपल। ये देखें, कहते हैं हम आयत के जरिए से बुलंद करते हैं मगर वो तो जमीन से चला था। इसने पैरवी अपनी ख्वाहिशों की, इसकी मिसाल कुत्ते की सी है, अगर तुम इस पे ठीक बोझ है लो तब भी हांपेगा और अगर छोड़ दो वो तब भी हांपता रहेगा। तो ये मिसाल के तौर पे कहा जाता है, मैंने आपको लिटरली वाला चिकन नहीं कहा, जैसा कि मैंने ठीक है, आपने तो वीडियो में सुना। मुझे दोबारा से मैंने कहा था मिसाल ऐसी है जैसे चिकन केएफसी को डिफेंड कर रहा। तो मैं तो अल्लाह तो के कुरान कैसे की है, इतना बातें करता हूँ। नहीं कैसे है, कैसे है मेरी मिसाल चिकन, आप मुझे मिसाल ही एक्सप्लेन कर दे। मेरी मिसाल चिकन जैसी कैसी हो गई, आप अल्लाह मैं मियाँ की ये वाली एक मिसाल एक्सप्लेन कर दें तो मैं आपको चिकन केएफसी की मिसाल एक्सप्लेन कर मैं देता हूँ। देखे देखे आप अब बातों को आप कर रहे हो, मैंने आपको जी जो जी चीज थी, जो पॉइंट था, मैंने आपको की है, अब आप मुझे मेरे पॉइंट पे बात करें, जी सबा आपने जी, मुझे मिसाल दी, आपने मुझे, मैं वही बता रहा हूं कि आप अगर मुझे अल्लाह मियाँ साबित की, करें कि मेरी मिसाल चिकन की तरह कैसे है, मुझे सिर्फ आज इस बात का जवाब देना है। मैं वही बता रहा हूँ, जिस तरह अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल दी मैंने उसी तरह आपको चिकन और केएफसी के लिए मिसाल दी। मतलब आप मुझे अभी आप उनसे लड़ रहे थे, आप मुझे एनिमल कह रहे हो, आप मुझे बर्ड्स में डाल रहे हो। आपके अल्लाह ने हमें कुत्तों में डाला? मेरे अल्लाह ने डाला आपको, पहली बात तो मैं अरे इस आप टॉपिक इस पर कुरान को बिल्कुल नहीं मानती हैं कर ना, रही। आप इस कुरान को मानती हैं ना, जी मैं मानती हूँ, तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह। मुताबिक हम सारे कुत्ते हुए क्योंकि आप इस कुरान को मानती हैं। मैंने देखा, मैंने आपको बोला, मैंने आपको नहीं, कहा बोला नहीं बोला, आप मानती है ना? देखिए ये ऐसे ही है, हिपोक्रेसी कैसे, जी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। सुने सबा जी, सुने, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप दिल से हमें कुत्ता मानती हैं लेकिन जुबान पे नहीं ला रही, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। लेकिन अब मेरे मुझे ये पास टाइम बताएं, छोड़ दें नहीं उस है, चीज को, मेरी अच्छा बात विक्टिम सुनो, कार्ड, सबा जी मैं विक्टिम कार्ड बाद में खेलना, पहले विक्टिम पहले कार्ड ही मुझे ये प्ले कर रही बताएं, हूँ। आप हम सबको कुत्ता क्यों समझती हैं? मैं आपको नहीं समझती, अभी मैं आपने कहा आपको आप इंसान कुरान की, समझती हूँ। आप कुरान की शायद पे यकीन रखती हैं। मैं कुरान पाक की मैं एक एक वर्ड पे यकीन रखती हूँ। ओके ओके, इससे ये वाली आगे जो मत आयत बताओ। है इसमें हम सबको कुत्ता कहा जी गया है, क्या
आप इस आयत पे यकीन रखती हैं? जी मैं रखती हूँ। आप हमें कुत्ता क्यों समझती हैं? मैं आपको, मैं पर्सनली मतलब मैं अगर अपने कुरान पाक को देखूं तो यस मैं ऐसा समझूंगी, लेकिन अगर मैं पर्सनली एग्जैक्टली, तो देखूं आप तो हमें कुत्ता क्यों समझती हैं? आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करो ना, आप मुझे चिकन क्यों समझ रहे हो ओके, तो फिर वो यही बताओ बात पहले है। ये सुनिए, आप वो डिफाइन अब करिए, फिर अगर देखो यही मैं बात, भी मैं सबा यहाँ डिफाइन पे, करूंगी, आप सबा मुझे यहाँ डिफाइन। पे आपका विक्टम कार्ड हो गया खत्म। नहीं अगर आप विक्टिम हमें कार्ड कुत्ता, ही विक्टिम कार्ड। सुने 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 सबा, अगर आप हमें कुत्ता समझती हैं तो शुक्र करें कि मैंने आपको कुत्ती नहीं समझा, मैंने तो आपको चिकन बनाया। तो अगर ये एक चिकन क्या मिसाल होता है, है तो मैंने भी मिसाल नहीं कहा है, गोल्डन भी चिकन इज होता है, अ बर्ड वर्ड, कुत्ता तो भी नहीं है होते ना। हैं, तो इसमें क्या फर्क है? आप एनिमल में कैटेगरी बना रहे हो कि वो फर्स्ट क्लास है, ये एग्जैक्टली, अल्लाह सेकंड कुत्ता क्लास बना है। रहा है। अरे अरे सबा जी एडम, एक मिनट, सिर्फ सबा आप जी, मेरी बात का सबा आज जी, सबा जवाब देंगे, आप मुझसे क्रॉस जी, क्वेश्चनिंग सबा बात जी, क्या करेंगे? हर सीन में आप यही करते मैं हैं, जवाब देता हूँ आपने मुझे सबा क्यों जी। बोला ऐसे जब मैंने सबा आपसे जी, कुछ मेरी नहीं आवाज आ बोला रही है? था? आ रही है, सुनना नहीं जी चाहती आ हो? रही है, एक तो आप दरमियान में जरूर टांग उड़ाते हैं। हाँ, मेरी आदत है बीच में उंगली करने की। मेरी बात सुनिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर आप थोड़ी पढ़ी लिखी होती, थोड़ी अगर अकल होती, तो आपको समझ में आता कि वो जो मिसाल जो दी गई है कि आपका इस्लाम डिफेंड करना, एक औरत का इस्लाम का डिफेंड करना, वैसे ही है कि एक चिकन KFC का डिफेंड कर रही है। उसमें आपको चिकन नहीं बताया गया, आप जो अमल कर रही है वो ऐसा है कि जो आपको मारना चाहता है आप उसको अच्छा बता रही है, ये बताया गया, आपको चिकन नहीं बताया गया। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी जहालत है। क्या इस्लाम एक मर्द को अपनी बीवी को मारने का, मारने की इजाजत नहीं देता? सबा, नहीं देता, नो आर यू श्योर? no. 434, फोर थर्टी आर यू श्योर? फोर यस आई एम श्योर, और 100% श्योर। अगर आपको दिखा दिया जाए तो क्या फिर आप कहेंगी कि कुरान गलत है? तो मैं क्यों कहूंगी मुझे दोजख में जाना है? मैं नहीं बोलूंगी ऐसे, आपको फिर जहां आप पर ये क्लेम क्यों कर रही हैं कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है या इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है? क्योंकि मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, मुझ पर हाथ नहीं उठाया, आप आपको पागलों नहीं जैसी बातें लगाया, क्यों करते इसका हैं मेरे मतलब, देखो देखो एक्सट्रीम पे देखो, आके? ये कौन शख्स है दोनों भाई, कहाँ में, सबा सबा सबा, दोनों में डिफरेंस है। गए हैं जिनका ही चैनल है? आपको किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन उस शख्स को इजाजत है आपको हाथ लगाने की। ये दोनों चीजें में किसको? जमीन आसमान का फर्क है। ये देखो, एक सवाल है आपसे, बीवी को जी मारना आपकी नजर में सही है या गलत है? मेरी नजर में पार्टनर को मारना, मैं बीवी की बात नहीं करूंगी, बिल्कुल ठीक है अगर वो ऐसी हरकतें करता है, मतलब मेरी शादी होगी, मेरा शौहर ऐसे करेगा, मैं उसको मारूंगी। अगर मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठाए, ये सही है या गलत? यार कंडीशन होती है ना, ओके, चलो वापस आता क्या हूं। ऐसी तुम्हारी वाली चीज बात पहले है? गलत है, नहीं पहले तुम्हारी वाली बात, अगर बीवी अपने खावन पे हाथ उठाए, सही है या गलत? अगर शौहर ने ऐसी हरकतें की हैं तो सही है मेरी नजर में। अच्छा लिख लेते हैं, बीवी बीवी अपने शौहर पे हाथ उठा जी सकती है, राइट? जी सही है, मेरी सही नजर है। में। ओके, अब क्या हाँ खावंद कुरान इसकी अपनी बीवी इजाजत पे हाथ देता उठा है। सकता है? बाद में कुरान के बाद, बाद में। अब क्या खावंद अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा सकता है? देखिए आप लोग मुझे फंसाए मत, हाँ मतलब मैं बोल दूंगी तो फिर आप क्योंकि क्यों आप उठा सकते हैं? बार बार बोल, क्योंकि आपको पता है कि कुरान के अंदर बीवी को उसका खावंद मार सकता है। आप जलेबी बना रही हैं। मेरी बात को आप सुने, वो जिस कंडीशन में है वो एक कंडीशन है, वो ओके, तो वो इस्लाम में भी कंडीशन ठीक है बता ही दें नहीं है। जिस कंडीशन में खावंद अपनी बीवी पे ओके हाथ उठा सकता है। ओके गिव मी द कंडीशन, अब आप चुप करके सुनिएगा, आप दरमियान में बोलते हैं तो मुझे कंडीशन भूल दे। जाता है, सही है? ओके वो ये कंडीशन होती है, आई थिंक सो, कि उसमें ये होता है कि मतलब आप पहले हाथ, एक तो आप जो डायरेक्ट बात कर रहे हो हाथ उठाने की वो नहीं है, ये आई थिंक सूरह निसा की आयत की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि पहले आप उनसे बातचीत बंद कर दें, फिर आप अपना भाई बिस्तर साहब लिख अलग कर दें, लें। पहले बातचीत बंद करें, लिख दो नहीं भाई साहब मुझे जवाब, क्लियर लिखें नहीं है, पहले मतलब कुछ बातचीत बंद होगा करें, बात पहले बातचीत बंद करें। और यार, भाई आप स्क्रीन पे खोल लेना वो वाली आयत। जो आप कहेंगी मैं भी वो सुन रहा हूं, आपके मुताबिक क्या सही है? पहले बातचीत बंद कर मेरे दें, फिर फिर आप उनसे बिस्तर भी अलग कर लो, ठीक फिर है? उसके साथ सेक्स नहीं करो, मैं फिर ये बात नहीं कह रही हूँ, मतलब बेड सेम होता है, सही है, वो तो अलग सेक्स कर नहीं लें होगा आप। ना। सेक्स, ये इसका इसका यही है, सेक्स नहीं करना। फिर
तीसरा और अगर अगर आपकी जो वाइफ है, मतलब ये उस कंडीशन में कि मतलब उन्होंने कोई किसी और के साथ गलत काम किया, मतलब गुनाह किया है, तो क्या वो गुनाह नहीं किया, समझ रही। क्या गुनाह किया, किसी के साथ, किसी के साथ जफ्फी लगाई है, किसी के साथ चुम्मी की है, या किसी के साथ सेक्स किया है? एक्सप्लेन इट। मैं आपसे बेड शेयर किया है किसी के साथ, ओके, एडल्ट्री की है तो क्या करना है? तो आप उन पर इस तरह से हाथ उठा सकते हैं अगर वो नहीं समझ रही कि उनको मतलब इंजरीज ना हो। सही है, मतलब इंजरी ना हो उसके ऊपर हाथ ऐसे। उठा लो। ओके सभा जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ गई कि एडल्ट्री की सजा है, अगर वो शादीशुदा औरत है, वो अगर एडल्ट्री करती है, उसकी सजा है पत्थर मार मार के उसको मार देना। उसको आपने पत्थर मार मार के मार देना है। तो हाथ उठाना इस तरीके से कि इंजरी ना आए, ये तो एक स्टूपिड बात हो गई, क्योंकि मोहम्मद ने हर वो एडल्ट्रस वुमन जिसने एडल्ट्री की है शादीशुदा होने के बावजूद, उसको रजम किया है, यानी कि पेट कमर तक जमीन में खड़ा खोद के उसके ऊपर पत्थर बरसा बरसा के उसको मार दिया। सो ये तो बात आपकी पॉइंट नंबर 3 खत्म हो गया, कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप उसे मारे भी इतना आराम से। उसकी सजा तो वो है रजम, नहीं, ये देखिए, ये रजम। डिपेंड करता था। पहले मुझे इतना इस्लाम पता, आप मुझे बेवकूफ नहीं समझे। ये ऐसे इस तरह से होता था कि अगर उसका पार्टनर चाहे कि मैं अपने मतलब बीवी को या शोहर को माफ करना चाहूँ, तो उसमें कोई ऐसा हुक्म नहीं है माफी नहीं, शादी। कोई माफी नहीं है। एक औरत आई थी मोहम्मद के पास, हदीस मुबारक है, एक औरत मोहम्मद के पास आई, उसने कहा कि मैंने एडल्ट्री परफॉर्म की है। मोहम्मद ने उससे पूछा तुम्हारे पेट में बच्चा है? उसने कहा हाँ। उसने कहा बच्चा पैदा कर लो फिर आ जाना। वो बच्चा पैदा करके आई, उसने कहा बच्चा जो है अब क्या खाता पीता है? मेरा दूध पीता है। उसने कहा जब ये बच्चा खाना खाने जोगा हो जाएगा तो आ जाना। वो औरत फिर आई, जब वो आई तो मोहम्मद ने कहा ओके डन, इसको पकड़ो रजम कर दो, दैट्स इट। तो मुझे नहीं समझाएं ये वाली बातें, एडल्ट्री वो भी शादी के बाद, उसकी सजा तो है सिंपल रजम। आई थिंक फिर अफेयर रखना होगा, मतलब आपने बेड शेयर क्या नहीं किया होगा? जस्ट बात में। मुझे लगता है बेड शेयर नहीं किया होगा तो जस्ट बात के लिए होगा, मतलब अफेयर रखना। बात ओके साहिल साहब, एडल्ट्री की जगह लिखे किसी दूसरे मर्द से बातचीत। नहीं, 3 नंबर पॉइंट को एडल्ट्री जो है वो तो साबित हो गई। हाँ, एडल्ट्री की जगह लिख दो ना किसी दूसरे मर्द से बातचीत। किसी दूसरे मर्द से बातचीत पर आप उसको मार सकते हो, लेकिन इस तरह मारना है कि उसकी हड्डियां ना टूटे। जी हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए। ओके, तो क्या आप इस बात को सही समझती हो? सही समझती हूँ। परफेक्ट साहिल साहब, हाँ अब आप आ जाए, वरना हाँ मैं तो इनको ये आयत दिखाना आप, शुरू कर दूंगा। हाँ ये इस पे आप जो है मारना सही समझती है, राइट? और यही चीज जो है वो शौहर के लिए भी होना चाहिए। जी, मैं यही करूंगी, मैंने आपसे बोला। ठीक है, अब अगर मैं आपको कुरान से दिखाऊं कि जी शौहर के लिए ये चीज नहीं है और फीमेल के लिए चीज है, फिर क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे? अगर आप मुझे एग्जैक्टली ये लाइन दिखा देंगे ना कि मैं आप सेम लाइनें अपने दिखाऊंगा शोहर, आपको, मैं सेम लाइनें दिखाऊंगा जो नहीं दोनों नहीं के लिए लिखी हुई आप है। पहले मेरी देखिए, सुन तो रहे हो बात। जो आपने औरत के लिए बातें बताई है ना, ये भी कुरान में नहीं लिखी हुई, ठीक है? लेकिन कुरान अच्छा, में जो वही जो बात, आयत औरत के लिए लिखी है, वही आयत अगर सिर्फ जेंडर चेंज हो जाए मर्द के लिए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगी। ओके बेहतरीन वो आयत मैं आपको वही दिखा देता हूँ कि वहां पे दोनों जगह पे लिखा क्या हुआ। अब आप देखिए, मर्द का चक्कर होना और अपनी चाहिए बात से पूरा आप पीछे नहीं प्रॉपर। हटेंगी, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी आप। मैं आपकी बात क्यों मानूं, आप कौन है? अभी आपने खुद कहा ना मैं इस्लाम छोड़ दूंगी अगर शौहर के लिए ये इजाजत नहीं है तो, यानी सेम मेरी वर्ड्स हुए, सेम। मैंने इजाजत की बात नहीं किया, आप क्यों मुझे सेम मारते वर्ड्स हैं? जो होते हैं ना सेम होते हैं। चुप चुप करके बैठ के अब सुने, क्योंकि मुझे पता है कि आप छोड़ने वाली नहीं है, हैं आप फुल अपंग मुझे नजर आ गया, लेकिन मैं अब आपको दिखा दूंगा ताकि एक तो आप मेरे लिए अपंग वर्ड मत यूज करो, बाकी फीमेल्स की आप भलाई हो जाए। मेरे अपंग, ये सुनिए, अब आप सुन लें आप चुप कर। अपंग भी नहीं हो। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, सुन लें। कुरान की आयत चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 34, मर्द औरतों पर हाकिम है। ये बात रिवर्स में नहीं लिखी जा सकती कि औरतें मर्द पे हाकिम है, क्योंकि हाकिम जो होता है वो एक ही होता है, दोनों में से एक होगा, दोनों हाकिम नहीं हो सकते, तो रिवर्स में नहीं लिखी जा सकती।
بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے باز کو باز پہ دی, obviously یہ بھی نہیں لکھی جا سکتی مردوں کے لیے, اور بسبب اس کے لیے کہ جو وہ خرچ کرتے اپنے مال میں سے, یہ بھی نہیں لکھی جا سکتی. پس جو نیکیاں, چونکہ یہ اس کے ریلیونٹ میں ہے, ہینس یہ 10 آتا ہے. دین اس وجہ سے جو نیک بیویاں ہیں وہ عطائے شعار ہوتی ہیں, غیب میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں, اللہ کی حفاظت میں سے خواتین. اب جو بات مین ہے وہ یہ ہے, وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. خافت, یہ دیکھیں کیا چیز, جس سے تمہیں تخافون, جن سے تمہیں اندیشہ ہو, کس چیز کا, سرکشی کا. تو تم نے کیا کیا کرنا ہے, لیٹس لک انٹو دس. ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بزنس ہاں چھوڑ دو اور ان کو مارو. دین نہیں ہے, پھر نہیں ہے, ون ٹو تھری نہیں ہے, تینوں پیرلل کے اندر ہیں. ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو. اگر عربی میں بھی دیکھتے ہیں تو تینوں چیزوں کے درمیان ہے واہ 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 جرون, واہوں کے ساتھ ہے, اور کے ساتھ ہے, سم کے ساتھ نہیں ہے, سم کے ساتھ نہیں ہے. اب اگر وہ مار شار کھا کے تمہاری اطاعت کر لیں تو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا عورت کے لیے. تو ون ٹو تھری نہیں ہے, پہلی بات, تینوں پیرلل ہیں, نمبر ون. اب آپ کہتی ہیں مردوں, اب عورتوں کو آگے, مردوں سے اگر تمہیں خافت ہو, وَإِنْ عُمْرَاتٌ خَافَتْ فِيَرْ, سیم ورڈ, دو ڈیفرنٹ ورڈ نہیں ہے, سیم ورڈ ہے. اب اگر مردوں سے تمہیں خافت ہو, اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو, خافت ہو مردوں کے, یہ دیکھیں سیم ورڈ, تمہیں اندیشہ ہو, اندیشہ ہو سرکشی کا, اگر تمہیں اندیشہ ہو اپنے شور سے زیادتی یا بے رخی کا, زیادتی کا اندیشہ ہو, سرکشی کا, سیم ورڈ. آگے چلتے ہیں, کیا کرنا ہے تم نے, کیا کرنا ہے تم نے, تو ان دونوں پہ کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں, اور صلح بہتر ہے. البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے, اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کر لو تو جان لو اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. آپ لوگ تمیز سے بات کر رہے ہیں یار, اس سے تمیز ساحل یار, مارو مجھے, کدھر گیا, مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو. آپ لوگ مزاق میں بات کر رہے ہیں بھائی, مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو مارو, نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مزاق ہو رہا ہے. اتنے پیار سے اور عزت سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے جی. سوا جی وہ چھوڑ دو, ابھی آپ نے جو بتایا تھا کہ دونوں کو اجازت ہے, تو مرد کے لیے تو عورتوں کو تو اجازت نہیں ہے. مرد اگر سرکشی کر رہا ہے تو اس کو ماننے کی اجازت تو اللہ نے دی نہیں ہے. کیا چیز آپ نے کہا تھا نا کہ دونوں کو اجازت ہے, میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ دونوں کو اجازت ہے, میں نے کہا تھا میں ایسا کروں گی. ہاں کیونکہ آپ اس کو صحیح سمجھتی ہے نا, اگر مرد کو اجازت ہے آپ کو مارنے کی سرکشی پہ, تو آپ کو بھی اجازت ہونی چاہیے, اسی کو انصاف کہتے ہیں نا. ایکول رائٹس. تو یہاں پہ تو اللہ یہ انصاف نہیں کر رہا ہے. اگر عورت سرکشی کرے تو اللہ تو کہہ رہا ہے مرد مار سکتا ہے, لیکن مرد سرکشی کر رہا ہے تو اللہ اجازت ہی نہیں دے رہا مارنے کی, وہ تو معاف کرنے کے لیے بول رہا ہے. آپ جا کر اجازت لے آئے کس سے, اللہ سے؟ آپ کو زیادہ فکر ہے, آپ لے آئے, ایسا ہوتا ہی نہیں آج کل کے دور میں. ہوتا ہے کہ نہیں, اسلام کی بات کر رہے ہیں سر, آپ نے کہا تھا اگر اسلام میں لکھا ہوگا تو آپ اسلام چھوڑ دیں گی. میں نے میرے ورڈز آپ یاد کریں, میں نے کہا تھا اگر سیم ورڈنگ ہوئی, سیم تو نہیں ہے, سیم ورڈنگ ہی دکھا دی ہے. سرکشی کی بات ہو رہی ہے, ایک سرکشی پہ عورت کو ماننے کی اجازت ہے اور مرد کی سرکشی پہ معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے. بلکہ ساحل شوہر کے لیے اور بھی زیادہ ہے, زیادتی ہے, سرکشی سے بھی زیادہ چیز ہے, زیادتی. ہاں وہاں تو اندیشہ ہے خالی. تو آپ جو میرا ٹاپک تھا آپ اسے ادھر کیوں لے کر آئے ہو؟ نہیں یہ غلط طریقہ ہے. پہلے اس کا آپ نے ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ میں اسلام چھوڑ دوں گی اگر آپ بتاؤ گے, تو ہم نے بتا دیا, اب چالاکی نہیں چلے گی. یہ چالاکی نہیں ہے, آپ کیا چاہتے ہو کہ میں دوزخ میں جاؤں, میں کیوں چھوڑوں اسلام؟ وہ بات کی بات ہے. اچھا آپ مجھے بتا دو, آپ مجھے بتا دو
ये दीदी पलट गई है, दीदी पलट गई है, खत्म है। खत्म हो गया अब सर। इनके डिस्कशन करके इस वजह से मतलब नहीं है, क्योंकि आगे हर हर जो चीज इसको हम बताएंगे ये पलट जाएगी, तो मतलब क्या है इनसे डिस्कशन करने का फिर। और मैंने आयते दिखाने से पहले क्या बोला था, साहिल ये नहीं छोड़ेगी, हाँ ये सिर्फ उसे टाइम पास करेगी, और वही हो रहा। इसको ये बात कहने में तो बड़ा डर था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सभा का इस्लाम को डिफेंड करना ऐसे ही है जैसे चिकन का केएफसी को डिफेंड करना। ये साबित करती है हर दफा आके। बिल्कुल सभा जी नेक्स्ट टाइम पे फिर जुड़िएगा, मेरा आज की स्ट्रीम का टॉपिक बहुत चेंज हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके।